आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सब चीजें इतनी डिजिटली हो रही हैं, हमारे फोन्स डिजिटली हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां डिजिटल हो रही हैं, तो हमारे जो डोर के एक्सिस हैं वो डिजिटल क्यों ना हो। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे एक एक्सेस कंट्रोल डिजिटल सिस्टम्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल की नई वीडियो में। आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ये हमारे कितने काम आ सकता है, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपने डोर के मेन गेट पे लगा सकते हैं, प्लस हम कुछ ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, अपने अलमीरा में लगा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिजिटली अपने उस पूरे केस को हम लोग सेव कर सकें। अगर मैं यहाँ एक्सेस कंट्रोल की बात करता हूँ तो जो सबसे पहला यहाँ एक्सेस होता है वो होता है पासवर्ड के थ्रू, सेकेंड हम अपने फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं, थर्ड हम हमारे फेस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो फोर्थ पॉइंट होता है आजकल OTP बेस्ड। जी दोस्तों, OTP बेस्ड मशीनें भी आ गई हैं जिसके अंदर जब तक हमारे फ़ोन पे OTP नहीं आएगा, हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारा डोर ओपन नहीं होगा। ये जितना भी OTP है ये वन टाइम होता है, मतलब आपका जो एक्सेस है वो वन टाइम होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगर हम जानते हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन। ये हम जनरली लगाते हैं हमारे मेन डोर के ऊपर, अगर हमें किसी को एक्सेस देना होता है हमारे को घर के एंट्री के लिए, तो हम अपने घर का उसको पासवर्ड बता सकते हैं, वो पासवर्ड की हेल्प से जो डोर है लॉक है वो ओपन कर सकता है। जैसे हमने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कशन किया था वीडियो डोरबेल सॉल्यूशन के बारे में, हम इस सॉल्यूशन को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ एक्सेस कंट्रोल के साथ साथ बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस के बारे में कि बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्लस कितने तरीके के आते हैं, कौन कौन सा ब्रांड है जो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से ब्रांड को या कौन से प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस के बारे में, तो बायोमेट्रिक सॉल्यूशन एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल का सॉल्यूशन होता है जिसको हम अपने किसी ऑफिस में, किसी अपनी वर्क साइट पे, किसी हम अपनी सिविल साइट पे हम लोग फिक्स करते हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अटेंडेंस के लिए, अपनी जो मेन पावर है उसकी अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए। बायोमेट्रिक यहाँ पे बेसिकली तीन तरीके से आता है। पहला हमारा पासवर्ड के साथ बायोमेट्रिक का अटेंडेंस लगती है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे फिंगर के साथ आता है, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ फेस के साथ आता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक बेसिक मशीन्स की बात करता हूँ या कुछ बेसिक ब्रांड्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो जनरल इंडिया के अंदर ब्रांड्स आती हैं वो पहले यहाँ ESSL, रियल टाइम, ZK टैको, सिक्योर आई, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसके आप बायोमेट्रिक्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्शन से पहले आप लोगों को ये डिफाइन करना होगा कि आप ये बायोमेट्रिक सॉल्यूशन कहाँ लगा रहे हैं, प्लस कितने लोगों के लिए लगा रहे हैं। अगर आपका जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो 10 से 15 लोग का है, तो आप कोई भी बेसिक मशीन आप ले सकते हैं। यहाँ पे डेटा एक्सेस के लिए बेसिकली तीन पॉइंट्स होते हैं। जो पहला पॉइंट होता है वो हम लोग थ्रू द पेन ड्राइव हम लोग डाटा एक्सेस कर सकते हैं अपनी किसी भी बायोमेट्रिक मशीन से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का आता है कि हम किसी भी मशीन को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जो सॉफ्टवेयर का हमें प्रॉफिट मिलता है उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग हमें उसके अंदर देखने को मिल जाती है। थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ क्लाउड बेस्ड। जो क्लाउड बेस्ड ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड होता है, इसके अंदर हमारी ईयरली मंथली जो फीस होती है सर्वर की फ़ीस होती है वो ऐड हो जाती है। कुछ ब्रांड्स हैं ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हम लोग जो सर्वर वाला अटेंडेंस सिस्टम है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारी सिविल साइड या हमारी कंस्ट्रक्शन साइड कहीं होती है, हमारा ऑफिस कहीं और होता है, और हमें ये देखना होता है कि डेली रूटीन्स में हमारे कितने एम्प्लॉई वहाँ पे आए हैं, कितने वहाँ पे हमारी मेन पावर काम कर रही है, वो सारा का सारा हम लोग जो डेटा लेना चाहते हैं अपने सिस्टम पे वो हम एक क्लाउड बेस्ड मशीन से ले सकते हैं। यहाँ पे जनरली मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा अगर कोई आपकी सिविल साइड है, कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, तो आप वहाँ पे या तो फेस वाली मशीन का यूज़ करें। उसका रीज़न क्या होता है, जो हमारी फिंगर वाली मशीन होती है तो बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारी लेबर क्लास के जो एम्प्लॉई होते हैं, उनके जो फिंगर के जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी निकल जाते हैं, वो एग्जैक्टली मशीन नहीं रीड कर पाती है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने कई सारी साइट्स पे देखने को हमें मिला है, बहुत सारी सिविल साइट्स पे हमें देखने को मिला है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी अपने किसी सिविल साइट के लिए कभी भी आप जो बायोमेट्रिक सेलेक्ट करें वो एक फेस वाला बायोमेट्रिक होना चाहिए। इसके अंदर आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको सर्वर वाला चाहिए, जो क्लाउड सर्वर वाला आता है वो चाहिए, या आप नॉर्मल आप पेन ड्राइव वाला यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, आप इस मशीन के साथ साथ कोई डोर लॉक लगाना चाहते हैं, कोई ग्लास डोर लॉक लगाना चाहते हैं या वुडन डोर लॉक लगाना चाहते हैं, वो भी आप आराम से इस मशीन के साथ लगा सकते हैं।
अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में, या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी आप ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट चाहते हैं मल्टीपल डोर्स के लिए, तो हमारी टीम के साथ नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट आपके लिए सारी सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसी के अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिज़ाइन कर देते हैं आप लोगों के लिए। जिस बजट के अंदर कस्टमर चाहते हैं उसी बजट में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन रेडी कर देते हैं। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे आप दिए हुए नंबर पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बायोमेट्रिक्स के रिगार्डिंग। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इस पे आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, इस पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते रहते हैं, आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।